काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शर्मसार करे वाली घटना सामने आई। बता दें कि कुछ महिलाओं के द्वारा मिलके अकेली महिला कर न केवल मारा पीटा गा बल्कि कपड़ा फाड़ देंगे। यही हालत पर बता दें कि महिला का गांव में घुमावागा महिला के पिटाई और दुर्दशा के जो है वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होला है। मामूली बात पर बता दें कि महिलाओं के बीच कहासुनी भेजे के बाद चार महिलाओं के द्वारा मिलके एक महिला का बुरी तरीके से पीटा गया। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आवा, जहाँ गौतमपुरा गाँव के चार महिला के द्वारा मिलके एक महिला का बुरी तरीके से पीटा गया। मारपीट के बाद महिला के कपड़ा फाड़ देंगे और यही हालत में महिला का गाँव में घुमावा होगा। यह करे की वजह केवल इतनी बताई जाती कि बीता कुछ दिन पहले पीड़िता अपने साथ आरोपी महिला के सास का मंदसौर लेके गई रही, जिसके बाद से आरोपी महिला काफी नाराज रही और अपने सहेलिन के साथ मिलके महिला के साथ क्रूरता कीन गए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह चार महिला एक महिला के कपड़ा फाड़त और महिला के साथ मारपीट कर देखी जा सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस के द्वारा चारों आरोपी महिला का गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अलग अलग धारा में अपराध दर्ज किए गए। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी के मुताबिक आरोपी महिला के सास का फरियादी महिला अपने साथ मंदसौर लेके पहुंची रही, जिसके बाद दोनों महिला के बीच कहासुनी भी, जिसके बाद आरोपी अपने महिला साथिन के साथ मिलकर पीड़िता के जमकर पिटाई कह देंगे। चारों महिला इकट्ठा हुई के पीड़िता का निर्वस्त्र कहके कई घंटे तक गांव में घुमावत रहे। वीडियो वायरल होने के बाद गौतमपुरा पुलिस के द्वारा महिला के खिलाफ 452 सहित अन्य अलग अलग धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।